मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद युवा कांग्रेस संगठन कई बड़े बदलाव की तैयारी में है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने बताया कि 10 जून को युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संगठन को लेकर बड़े बदलाव किए जाएंगे। युवा कांग्रेस नेता विवेक त्रिपाठी ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शेष नारायण ओझा की स्वीकृति व मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितिन दर्शन सिंह यादव के आदेश अनुसार मध्य प्रदेश की समस्त जिला इकाइयों के अंतर्गत विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष एवं उनकी विधानसभा इकाइयों के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितिन सिंह यादव की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठन के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश की विधानसभा इकाइयों को भंग कर दिया है। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष एवं उनकी इकाइयों को भंग कर दिया गया है और जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी यथावत रहेगी। 10 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई है, जिसमें श्री जीतू पटवारी जी, श्री मोहन सिंगार जी एवं मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी श्री शेष नारायण ओझा एवं अध्यक्ष मितेन सिंह जी उपस्थित रहेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की सभी विधानसभा इकाइयों को भंग कर दिया गया। जैसे कि आप सभी ने देखा है कि यूथ कांग्रेस के विधान सभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। आदरणीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी प्रभारियों से बात करके हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जो कार्य करने वाले विधानसभा अध्यक्ष हैं उनको आने वाले समय में पुनः स्थान दिया जाए और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था तथाकथित, जो काम करेगा वो जगह पाएगा। तो आज हमारी विधानसभा अध्यक्षों की कमेटी को भंग किया गया है और आने वाले समय में हमने जो फॉर्मेट रखा है वो एक ही फॉर्मेट है, काम करो और जगह पाओ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।